देखता था इर्द गिर्द, वो सब मुझे अच्छा लगता था। हमारे दिनों में मैगजीन में चित्र आते थे और राजा रविवर्मा के प्रिंट हमारे घर में लगाए हुए थे। मेरे पिताजी काफ़ी शौकीन थे, तो ये सारे से मैंने तय किया था कि ऐसा कुछ हमें भी करना है। तो जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तभी मेरे एक टीचर थे जयंत दातार करके, वो हमें म्यूज़िक एंड पेंटिंग सिखाते थे, ड्राइंग। तो उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया। फिर मैं जब मिडिल स्कूल में गया तो उधर एम एस जोशी द फेमस लैंडस्केप पेंटर, ये वॉज माई टीचर, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत इनकरेज किया और मैं जे जे में आ गया। जे जे में मुझे पलसीकर साहब मिले और पलसीकर साहब ने तो हमें बना दिया जो भी कुछ है, ऐसा मैं समझता हूँ। और जब मैंने स्कूल ऑफ आर्ट छोड़ा तो मुझे ये ज़रूरी लगा कि मेरा अपना कुछ होना चाहिए। हाँ, क्योंकि तब तक मैं काफ़ी आर्टिस्ट का काम देख चुका था भारत में और बुक में से वेस्टर्न आर्टिस्ट का, और वो देख के मुझे लगा कि हर आर्टिस्ट का अपना कुछ आइडेंटिटी है उसके काम में, तो मेरा भी आइडेंटिटी होना चाहिए। तो उस आइडेंटिटी के लिए क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा कि जो हमने एकेडमिक जो किया था वो सारा अभ्यास था, और उस अभ्यास को लेके मैं चलता, तो वो अभ्यास में अभ्यास को ही मैं एक्सटेंड कर देता था। तो वो अभ्यास को एक्सटेंड करना नहीं आर्ट, तो मुझे क्या करना है, इसके लिए मेरा काफ़ी वक्त गुजर गया। कम से कम 15 साल गुजर गए। मैं 68 में पास हुआ, 73-75 तक ये जूझते रहा अपने आप से, और मुझे तब जाके लगा कि पेंटिंग ये से आज अभी जी भी मार्गरेट जी ने बोला आके अनयूजुअल है, मैं मेरे खुशी हो गई, क्योंकि ये हर इंसान के जैसा नहीं, हर कोई इसे पहचानेगा ऐसा नहीं है। और यही मेरा मकसद था कि पेंटिंग जो इर्द गिर्द जो है उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, वो इमिटेशन नहीं है उसका, या कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, पेंटिंग पेंटिंग है। इस पर मेरा विश्वास बढ़ गया 75 में, और मैं पेंटिंग करना यानी वो प्रोसेस को एंजॉय करना है, वो प्रोसेस के जरिए अपने आप को समझना है। आई एम एन इंडिविजुअल पेंटर, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से मेरा कोई लेन देन नहीं, वो लेन देन है मेरे में जो इंसान है जिसको जिंदा रहना है उसके लिए है, मेरा जो आर्टिस्ट है मेरे अंदर उसके लिए बाहर की दुनिया की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर की दुनिया काफ़ी है। सो आई पेंट व्हाट आई लाइक, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट पेंटिंग, इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस आई एंजॉय, यू नो। जो कभी कभी तो मेरा पेंटिंग कैसा होगा मुझे ही मालूम नहीं होता है, बट इट कीप्स मी एंगेज, मुझे कम्प्लीटली एनग्रॉस रखता है और मैं काम करता हूँ। यही पेंटिंग है, मैं हमेशा बोलता हूँ पेंटिंग अभी आप जो देख रहे हैं वो उसका रिजल्ट है मेरे एक्टिविटी का, कैनवास के ऊपर जो मैं एक्टिविटी करता हूँ उसका वो रिजल्ट है, लेकिन पेंटिंग तब है जब मैं करता हूँ, और वही पेंटिंग है, वो सब लोग नहीं देख सकते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में या सभी जगह वेस्टर्न में इतना नहीं, लेकिन हमारे देश में ये अभी तक सिखाया नहीं कि ये जो आफ्टर इफेक्ट है वो देख के बाद में वो जर्नी पीछे की तरफ जाती है, वहाँ तक जाने को हम एप्रिसिएशन कहते हैं, वो तो हमें सिखाया नहीं कभी, हम करते हैं क्योंकि हम आर्टिस्ट है उसमें, लेकिन और लोगों को वो मालूम नहीं है। तो मेरे लिए पेंटिंग ये प्रोसेस है, और मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ, वो प्रोसेस जो है वो जो दिखाती है वो मैं हूँ, और मेरा पेंटिंग मेरे जैसा है, मैं भी यूनिक हूँ, आपके जैसा नहीं दिखता, इनके जैसे नहीं दिखता, आप भी यूनिक है, हर कोई इंसान यूनिक है। एक आम का पेड़ भी देखा ना तो सारे आम के पेड़ अलग अलग है, उनके पत्ते अलग अलग है, वो पत्ते की जो रेखाएँ वो अलग अलग है, ये यूनिकनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सबके लिए, एक आर्टिस्ट के लिए। और हमारी दृष्टि से जो भगवान है जिसे हम निसर्ग कहते हैं वो सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। हाँ, उन्हें कितने लोगों को जन्म दिया है, लेकिन हर कोई इंसान अलग है, हर कोई इंसान का सोच अलग है, तो वो ध्यान में रखते हुए मैं मेरा काम करता हूँ, इसके बारे में मैं लिखता भी हूँ, यानी पेंटिंग के, मेरे पेंटिंग के बारे में, इन जनरल पेंटिंग के बारे में लिखता हूँ, पेंटिंग के ऊपर कविताएँ करता हूँ, जो भी करता हूँ वो सारा पेंटिंग है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि पेंटिंग मेरे लिए खाना है, सोना है, जो कुछ एक्टिविटी आपको वो सारी पेंटिंग है, पेंटिंग के सिवा जीवन नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। बस मैं एंड तक पेंटिंग करते रहूँ ये इच्छा है, लेकिन ये नहीं कि ज़बरदस्ती करूँ, शायद मैं कल रोक दूँ पेंटिंग, समझे ना, जब तक मुझे लगता है पेंटिंग करना चाहिए मैं करूँगा, और जब चाहे मैं रोक दूँगा, क्योंकि पेंटिंग ये कोई
गाड़ी ने ये चलाने के लिए, है ना। पेंटिंग एक जीवन है, हमने हमारा जीवन उसमें समर्पित किया है, तो वो लाइफ जब तक है तब ले मैं जी लूँगा, और जब वो ख़त्म होगा तो ख़त्म हो गया। हाँ नहीं, आर्ट सबमिट ये देखो, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी ने देखो सारे जयपुर को थोड़ा सा जगह दिया है, हाँ, तो ये जगह तो दिया है, अभी उसको अवेयर ही रखना चाहिए, जगह ही रखना चाहिए, ये करने के लिए बार बार ये इसे एक्टिविटी करनी चाहिए। छोटे तौर पर जैसे आज अभी स्टूडेंट्स आए हैं, उनके लिए कुछ एक्टिविटी करो आप, क्यों करो, क्यों वो अभी स्कूल में है, वह अभी ये देख रहे हैं, जब वो इतने बड़े हो जाएंगे तो उनमें से ही कोई आर्टिस्ट होगा, तो हमें अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बूढ़ों के ऊपर नहीं, क्योंकि वो ख़त्म हो गए, वो अभी उनको सकने में कोई मतलब नहीं है इनको, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि एप्रिसिएशन इन बच्चों को सिखाना चाहिए, जो आज के कॉलेज के विद्यार्थी है उनके तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, मैं काफ़ी स्टूडेंट से बात किया, उनको कुछ मालूम नहीं है वो क्यों करते हैं पेंटिंग, क्या पेंटिंग करते हैं, सब लोग कुछ टेक्निक के ऊपर खड़े हैं, टेक्निक यानी टेक्निक इसमें भी है, सब में टेक्निक होती है, लेकिन टेक्निक यानी पेंटिंग नहीं है। जैसे आप कोई क्रिकेट देख लो, तो क्रिकेट में वो डिफेंस करना, शॉट मारना, ये सारा टेक्निक है, और माध्यम है बैट, लेकिन इसका मतलब वो सिर्फ टेक्निक करना वो ये नहीं, तभी क्यों सचिन तेंदुलकर अलग है, रोहित शर्मा अलग है, क्योंकि वो टेक्निक को सेकेंडरी करते और अपना क्रिएटिव शॉट लगा दे। तो ये टेक्निक के जरिए क्रिएटिविटी को समझना ज़रूरी है, वो हमारे बच्चों को किसी ने बता नहीं, ऐसा मुझे लगता है आज के जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको ये पता नहीं है, उनको ये भी बताना चाहिए कि आपको सिर्फ पेंटिंग करके नहीं चलेगा, आपको साहित्य पढ़ना चाहिए, आपको अच्छा संगीत सुनना चाहिए, अच्छे थिएटर देखना चाहिए, अच्छे फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म ये शाहरुख खान एंड कंपनी की नहीं, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म है, वो हमने देखे ही नहीं है। हाँ, वो जो आर्टिस्टिक फिल्म है हमारे देश में, वेस्टर्न कंट्रीज में, इनको मेरे पास कितना कलेक्शन है मेरे घर पे, और अभी जो मैं हम ऐसे एक संस्था निकालने वाला हूँ उसमें ये सारी दिखाई जाएगा, इतनी सुंदर फिल्में हैं, उससे उनको समझ में आएगा क्या आर्ट है और आर्टिस्ट कैसा जीता है। हम एक वैनगॉग के लेके बैठे हैं, नहीं वैनगॉग क्या एक ही आर्टिस्ट था क्या, उसके बाद में अभी भी एक गोल्ड स्मिथ करके आर्टिस्ट इंस्टॉलर है, वो इंस्टॉलेशन करता है, वो देखिए आप उसने क्या किया है। तो ले हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, बम्बई में थोड़ा कुछ मालूम है, दिल्ली क्योंकि वो सिटीज़ है वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जयपुर जैसी जगह ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, और अवेलेबल होने का तरीका साइंस ने दे दिया है कि आपके पास लैपटॉप है और क्या चाहिए, आप कोई भी वेबसाइट पर चले जाओ, एक कोई भी आर्टिस्ट का एंडी गोल्ड्सवर्थी नेम टाइप करो, उसका सारा काम आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो बोलना चाहिए ना उनको ये देखो करके, या शायद स्टूडेंट को भी एक अवेयरनेस चाहिए, अभी मुझे लगता है वो अवेयरनेस देने की शुरुआत ये सबमिट से हुए, लेकिन ये यहाँ रुकना नहीं चाहिए, यानी ये इट शुड नॉट बिकम ए रिचुअल, सत्यनारायण की पूजा जैसा नहीं होना चाहिए, हर साल हमने सबमिट किया, नहीं, हर साल सबमिट का नेचर अलग होना चाहिए। समझे ना, हर साल हमें कुछ नया दिखाई देना चाहिए, ये सोच के करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, ये स्कूल लेवल पे करो, कॉलेज लेवल पे करो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि और उसमें तुम बड़े आर्टिस्ट को बुलाओ, हाँ कभी ये बड़े लोगों का शो करो और उनको पहले दिन से इन्वॉल्व करो उसमें। आज मैं बहुत खुश होता अगर ये कॉलेज के बच्चे जो मिले, उनमें से कुछ 10 बच्चे हमारे साथ इधर हमेशा रहते, तो लेकिन मैं कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, मैं ये सजेस्ट कर सकता, किसी ने पूछा तो बोल, आज आपने पूछा मैं बता रहा हूँ, ये हमारा भविष्य ये लोग है, हम तो पास्ट अभी गए, तो हमें फिर भी ऐसा ऊपर रहना है कि नहीं, हमें इनको ऊपर उठाना, इनको ऊपर उठाने में ही हमारा जीवन का सार्थक है, तो इन बच्चों को हमने आगे लाना चाहिए। थैंक यू।